हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है ऑयल मसाज। हम कैसे अपने बालों की मसाज करें या किसी के मसाज करें। आजकल जैसे हर किसी को टेंशन होती है, चिंता होती है और तनाव रहता है, जिससे क्या होता है हम टेंशन में हो जाते हैं, दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। हमें चाहिए होता है कि हम कुछ देर रिलैक्स कर पाएँ, हमें रिलैक्स मिल जाए। तो जब आप ऑयल मसाज करते हैं तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर मसाज करनी चाहिए, ऑयल मसाज अपने सिर की, अपने बालों की, जिससे क्या होता है हमें रिलैक्स फील होता है, हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं। और ऑयल मसाज हमारे बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। जैसे काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं या और भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज करेंगी तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे क्या होगा हमारी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, आप हमारी आगे आने वाले वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हॉट ऑयल मसाज मजबूत तथा स्वस्थ हेयर के लिए ऑयल मसाज आवश्यक है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल मजबूत हो, स्वस्थ हो, तो इसके लिए आपको हफ्ते में एक बार ऑयल मसाज ज़रूर करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। मसाज से सिर के ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। जब हम मसाज करते हैं सिर की, इससे क्या होता है हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है, इससे हेयर का झड़ना रुक जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम अपने बालों पर ऑयल मसाज नहीं करते हैं उससे क्या होता है हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं, हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, इससे हेयर का झड़ना रुक जाता है। और यदि आप अपने बालों पर ऑयलिंग करेंगे उससे क्या होगा आपके बाल मजबूत होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बाल नहीं झड़ेंगे। आजकल ज़्यादा समस्या यही होती है, लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं कम उम्र में ही। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपने स्ट्रेस के कारण भी हो जाता है, जैसे दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं आजकल। और अगर हम प्रॉपर अपने बालों की देखभाल नहीं करते तब भी बाल झड़ने लग जाते हैं। हमें चाहिए जैसे हम अपनी दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही हम अपने बालों का भी प्रॉपर ध्यान रखें। हमें टाइम टू टाइम बालों पर ऑयलिंग करनी चाहिए, अपने बालों को शैम्पू करना चाहिए। आप हेयर स्पा कर सकते हैं, आप हेयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके आपको एक दिन या एक महीने में हेयर स्पा ले सकते हैं और आपको ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने बालों पर। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए,
आपको जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। आपके टेंशन लेने से कुछ बदल तो जाएगा नहीं। आगे बात करते हैं, जब आप हेयर ऑयलिंग करते हैं इससे जो आपके हेयर झड़ रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। इससे हेयर की जड़ें, जिसको हम रूट्स कहते हैं, उनको पोषण मिलता है तथा हेयर शाइनी और क्लीन दिखाई देते हैं। जब हम ऑयलिंग करते हैं उससे क्या होता है, हेयर की जो जड़ें होती है, जो रूट्स होते हैं, उनको पोषण मिलता है और हेयर हमारे शाइनी और क्लीन दिखाई देते हैं। ऑयल मसाज से डैंड्रफ भी दूर हो जाता है। काफ़ी लोगों को, जैसे अब सर्दियां आ गई हैं, काफ़ी लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। वो डैंड्रफ क्यों होता है, जब हमारा स्कैल्प होता है, जो हमारे सिर का स्कैल्प होता है, वो ड्राई हो जाता है, जिससे जब हम कॉम करते हैं या वैसे, वो डैंड्रफ हो जाता है। सर्दियों में खासकर ये प्रॉब्लम बहुत आती है लोगों को। तो आप शैम्पू भी डैंड्रफ, जो डैंड्रफ ना होने दे, वो शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, और हेड एंड शोल्डर या कोई भी। और आप ऑयल मसाज भी करेंगे तो भी आपका डैंड्रफ दूर हो जाता है। निरंतर ऑयल मसाज से हेयर सुंदर, स्वच्छ और घुंघराले होते हैं। जब आप रेगुलर हफ्ते में एक बार या दो बार, जब भी आपको लगे, आपको अपना सिर धोने से पहले ऑयल मसाज ज़रूर करनी चाहिए। ऑयल मसाज करने से हेयर स्वस्थ, सुंदर और घुंघराले होते हैं। इस मसाज से मानसिक शांति भी मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप स्ट्रेस में होते हैं और आप मसाज करते हैं, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है, आपको काफ़ी शांति मिलती है। आपको पहली बात तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, टेंशन तो होती ही है, हर किसी को किसी न किसी वजह से टेंशन हो ही जाती है। हम जितना मर्जी कोशिश करें, हम टेंशन नहीं लेंगे। हर एक को कोई ना कोई टेंशन तो होती ही है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, सबको टेंशन होती है। किसी को काम की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को घर की टेंशन, किसी को ऑफिस की टेंशन। तो इस स्ट्रेस भरी ज़िंदगी से आपको रिलैक्स दिलाएगी ऑयल मसाज। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ऑयल मसाज में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट। हम जब ऑयल मसाज करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें हेयर ऑयल की ज़रूरत होती है। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप नारियल का तेल या सरसों का तेल या कोई भी जो आप ऑयल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑयल की ज़रूरत होती है, ऑयल हीटर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास हीटर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप हीटर की जगह आप बाउल में थोड़ा सा ऑयल लें और उसको आप अपनी गैस पर भी गर्म कर सकते हैं, या अपने जो भी आपके पास कोई हीटर या कुछ भी हो आप उस पर भी गर्म कर सकते हैं। आपको कॉम की ज़रूरत होती है, कॉटन रुई की ज़रूरत होती है और टावल की ज़रूरत होती है, ताकि जो ऑयल है वो आपके क्लाइंट के या आप जिसके भी ऑयलिंग कर रहे हैं उनके कपड़ों पर ऑयल के छींटे ना पड़े, ऑयल ना लगे।
तो ये थे प्रोडक्ट जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें इन सबको सबका होना ज़रूरी है हमारे लिए। फर्स्ट है हेयर ऑयल, आप जो भी ऑयल चाहते हैं करना चाहते हैं जिससे आप मसाज कर सकें वो आपको चाहिए। आपको कॉम चाहिए, आपको रुई चाहिए, ऑयल हीटर, चाहे आप गरम ऑयल भी कर सकते हैं तो आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको टॉवल की ज़रूरत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑयल मसाज के स्टेप्स। हम ऑयल मसाज कैसे करें चलिए बताते हैं। सभी फिंगर से मसाज करना, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप है आप सभी फिंगर से मसाज करें अपने हेयर्स की, या फिर जिसके भी आप कर रहे हैं या क्लाइंट के, सभी फिंगर से मसाज करिए। सेकंड पॉइंट है मांग बनाकर पिचिंग मसाज करें। आपको ये मैं थ्योरी बता रही हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रॉपर बताऊँगी कि कौन सा स्टेप कैसे करते हैं, हमें अच्छे से मसाज कैसे करनी चाहिए। आपको मैं पूरी प्रैक्टिकल भी बताऊँगी करके कि कैसे करते हैं। थर्ड है दोनों हाथों को मिलाकर फिंगर से टैपिंग करना, ठीक है जी। फोर्थ है थंब से क्रिस क्रॉस मसाज करना, क्रिस क्रॉस होती है मसाज वो करनी। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना, जैसे हम फेशियल में भी मसाज स्टेप्स करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है जी, ऐसे ही हम अपने शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मसाज करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शोल्डर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना। आगे हैं बटरफ्लाई स्ट्रोक की तरह फिंगर्स रखकर बैक मसाज करना। जब आप हेड मसाज करते हो, बालों पर ऑयलिंग करते हो, चाहे आप स्पा करते हो, चाहे आप फेशियल करते हो, आपको उसके साथ साथ आपको बैक की भी मसाज ज़रूर करनी चाहिए। आपको शोल्डर पर भी मसाज देनी चाहिए क्योंकि ये सभी हमारे रिलैक्सिंग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर हमारे जो हम पॉइंट्स प्रेस करते हैं उससे क्या होता है, हमें रिलैक्स फील होता है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर ब्यूटीशियन से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। और जो भी चाहते हैं शुरुआत से बेसिक से एडवांस तक ब्यूटीशियन कोर्स करना या सीखना, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ब्यूटीशियन कोर्स से रिलेटेड बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री में। जो हमारी गृहिणी हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, जो भी चाहती हैं घर बैठे सीखना, वो हमारे इस चैनल के ज़रिए काफ़ी वीडियो घर बैठे देखकर सीख सकती हैं। आप हमारे वीडियो के ज़रिए खुद सीख सकती हैं ब्यूटीशियन कोर्स, खुद पर भी अप्लाई कर सकती हैं और औरों के भी कर सकती हैं।
आगे बात करते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक की तरह फिंगर्स रखकर बैक पर मसाज करना, बैक पर वाइब्रेशन मसाज करना, हेयर को अनेक बार उंगलियों से सवारना। ये थे हमारे कुछ पॉइंट ऑयल मसाज के बारे में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।